बंधु नमस्कार। बोलो। बंधु हम हैं आश्री मठ जैसलमेर में, जहाँ पर है श्री श्री 1008 योगेश्वर श्री श्री सुखनाथ जी महाराज की सत्री। और इसी आयोजन में पशुपतिनाथ मंदिर के महंत हमारे गुरुदेव श्री श्री 108 श्री सुखनाथ जी महाराज की सानिधि में हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप हैं पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी श्री रामनिवास जी, और साथ ही हैं मोहनलाल जी सुधार जो अनूपगढ़ के निवासी हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। बंधुओं, मोहनलाल जी द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन एक दोहावली में किया गया है। जी हाँ, तो मैं निवेदन करूँगा मोहनलाल जी से कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों के जो नाम हैं उन्हें आप थोड़े धीरे धीरे हमारे सभी भक्तों को बताने की कृपा करें। जी मोहनलाल जी, शुरू कीजिए। सोमनाथ सौराष्ट्र में, काशी में, विश्वेश महाकाल उज्जैन में, शिवालय घुसमेश, भीम शंकर डाकनी, सेतुबंद रामेश, त्रैवक गौतमी तीर्थ पर दारू कवन नागेश, मल्लिकार्जुन श्री शैल पे, हिमगिरी पर केदार, चिताभूमि सतान में, वैद्यनाथ विहार, ओंकार परमेश्वर रेवाय तट दो नाम, दवा 10 ज्योतिर्लिंग को सदा करूं प्रणाम, श्रद्धा सहित जो ध्यावी निस दिन में दो बार। जी बहुत सुंदर वर्णन किया आपने अपनी दोहावली में 12 ज्योतिर्लिंगों का। और हमारे पास में जैसे भी साथ में विराजमान है पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर के श्री रामनिवास जी, एक एक कथा है, कथा भी वास्तविकता है। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है बाबा पशुपतिनाथ की, वो श्री श्री 1008 योगेश्वर श्री गणेशनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित की गई है। और ये स्थापित करने से पूर्व जो मूर्ति है, जो 16.5 कुंटल की मूर्ति है, अष्ट धातु की मूर्ति है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में घुमाया गया था और वहां पे दर्शन कराए थे 12 ज्योतिर्लिंगों के, तत्पश्चात मांझवास ग्राम में जो बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर है वहां लाया गया था, और उसी के 121 कुंडीय यज्ञ करके उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 13वां ज्योतिर्लिंग एक तरह से बाबा पशुपतिनाथ मांझवास जिला नागौर पे है। जी ये कहानी, एक शॉर्ट रूप में कहानी, आदरणीय श्री हमें रामनिवास जी से पूछना चाहेंगे कि किस तरह से एक मन के भाव होते हैं। कहते हैं कि भक्ति है, भाव है, तो हर जगह ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इसकी एक छोटी सी कहानी गुरुदेव श्री श्री 1008 योगेश्वर श्री गणेशनाथ जी महाराज द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया था कि ये भी एक तरह से 13वां ज्योतिर्लिंग है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रामनिवास जी से कि किस तरह से शॉर्ट रूप में बताएं कि क्या हुआ और किस तरह से इसको 13वां ज्योतिर्लिंग माना गया। जी जय नाथजी। जय नाथजी सर, जय नाथ। 1998 में योगी गणेशनाथ जी महाराज ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, उस टाइम इस ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ मूर्ति को 12 ज्योतिर्लिंग में घुमाया था। 12 ज्योतिर्लिंग घुमाने के बाद यात्रा के वापस आए थे तो पंडितों ने बाद वो बोले कि बाप जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग तो अपने भारत में है, ये 13वां ज्योतिर्लिंग स्थापित हो रहा है, तो अपन 12 ज्योतिर्लिंगों का तो जल लेकर के आए थे, अब 13वां ज्योतिर्लिंग 13वां कलश अपने को और लाना है। तो बाप जी बोले, भाई 13वां कलश कहाँ से लाए, अब आप सोचो। तो बोले पंडित, बोले बाबा जी अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो सब सो गए थे, तो बाप जी ने बोला भाई आप सब सो जाओ। तो रात को सोते टाइम बाप जी को श्री फुलंबा का दर्शन हुआ था, और फुलंबा जब उन्होंने ध्यान किया, फुलंबा का दर्शन हुआ कि योगी गणेशनाथ जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, सुबह होते ही आप जंतलाई जाकर के जंतलाई की जमीन के अंदर कांकर के अंदर वहां जाके आप जल लेके आ जाना। तो सुबह होते ही बाप जी ने सपनितों को बुलाया और बोला भाई चलो आज फुलंबाई के वह जंतोड़े गांव चलेंगे, वहां जाके अपने 13वां कलश भरेंगे। तो सब पंडित लोग, साधु संत सब मिलकर के वहां गए, वहां जाके जमीन का पूजन करके एक गांव के मांझवास ग्रामवासी मांझवास की एक बच्ची को साथ लेकर गए थे, उनको फुलंबाई का नाम दे करके उनके हाथ से पूजा करवा के और भूमि का पूजन करके वहां से एक खड्डा खोदा था, 6 फीट का खड्डा खोदा था। 6 फीट का खड्डा खोद करके बाबा जी ने बोला कि भाई पंडितों को बोला आप गंगा का आह्वान करो, मंत्र का उच्चारण करो, क्योंकि मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है और देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हो देवता अपने आप प्रसन्न होते हैं। तो पंडितों ने गंगा का आह्वान किया और बाप जी ने भी वो खड्डा खोद के उस पर पर्दा रख दिया, पर्दा ढक करके सिर्फ 1 घंटा बैठे रहे करो और राम धुन लगाओ,
जो करते हैं वो भगवान की अनुकंपा से ही, उनकी प्रेरणा से ही होता है, उनके आशीर्वाद से होता है। जो जो भी शुभ कर्म होता गया है, जो जो भी कर्म करते हैं, वहाँ भगवान का मंत्रों का उच्चारण और भगवान के नाम की ध्वनि होती है, तो उस ध्वनि के अंदर वो शक्ति होती है, उस शक्ति से ही शुभ कर्म होता है। तो सब पंडित मिलकर के राम धुन का धुन लगाई, राम धुने लागी रे गोपाल धुने लागी, संतान साखी मंडली में राम धुने लागी, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण किया तो वहाँ गंगा प्रकट हो गई। तो गंगा प्रकट होने के बाद में सब पंडित लोग वहाँ से वो कलश भर के लाए और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया और 13वां ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हुआ। जी रामनिवास जी, आप तो प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं उस बात के, और आपने इस तरह से बताया, तो कहते हैं कि भक्ति और शक्ति प्रभु अधीन है, भक्तों के विश्वास होना चाहिए और एक करने की इच्छा होनी चाहिए, और वैसे वो तो सिद्ध पुरुष है श्री श्री 1008 योगेश्वर श्री गणेशनाथ जी महाराज, जो माँ जो आज पशुपतिनाथ मंदिर के प्रथम संत थे, और उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई थी, और उनकी भावना थी उन्हें प्रभु के द्वारा। और जो फूलाबाई के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो फूलाबाई का मंदिर भी माँ जो आज में ही स्थित है। फूलाबाई चमत्कारी थी, भक्त शिरोमणि थी, और उनकी कथा आपने सुनी, रामनिवास जी ने बताई, और इस तरह से बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में जो है उसको 13वां एक तरह से ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रामनिवास जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि इस तरह से यहाँ पर एक सत्संग रूपी कथा हुई और उसमें हमें एक नई जानकारी मिली। बोल बाबा पशुपतिनाथ की जय। तो यहाँ पर हम आए थे आश्री मठ में सतनी के आयोजन में, और यहाँ पर जब चर्चाएं होती हैं तो एक से एक नई चर्चा निकल करके आती है। तो आपने भी ये वृतांत सुना, आप सभी भी यदि आपको ये वृतांत पसंद आया हो तो आप सभी जगह शेयर करें। और इसी के साथ साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय वहाँ के महंत बाबा पशुपतिनाथ के महंत हैं श्री श्री 108 श्री स्वरूपनाथ जी महाराज, वहाँ पधारें, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लें और गुरुदेव के दर्शन करें। जय गुरुदेव, जय नाथ जी, जय नाथ जी, आदेश आदेश आदेश।